उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के कारण चमोली में आए बाढ़ के बाद तपोवन पावर प्लांट की सुरंग से 16 से अधिक श्रमिकों को निकाला गया है। 30 से 35 अभी भी फंसे हुए हैं। रात में नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को दी खुशखबरी, कहा वर्ष 2030 तक भारतीय रेल विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बनाई जाएगी और 2023 तक सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। उत्तराखंड के चमोली हादसे में मृतकों को काशी की गंगा आरती में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। घाट पर आरती के जरिए माँ गंगा से रौद्र रूप शांत करने और मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। चक्का जाम के बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए किसान संगठनों ने आज सोनीपत में की है बैठक। सरकार पर दबाव बनाने और आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर होगा विचार विमर्श। आज सुबह 5 बजे जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर पैमाने पर 3.5 रही तीव्रता। एक महीने के अंदर ये था तीसरा झटका। उत्तराखंड के ग्लेशियर हादसे में NDRF ITBP के सहयोग के लिए अन्य एजेंसियों के साथ अब भारतीय वायुसेना के बचाव दल की टीम भी देहरादून के जॉली ग्रैंड हवाई अड्डे पर पहुंची है। चीन ने निभाई पाक से दोस्ती। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना को COVID-19 की वैक्सीन का पहला बैच सौंपा। अमेरिका में अब नहीं मिलेगी किसी को भी मृत्युदंड। अमेरिकी इतिहास में मृत्युदंड का विरोध करने वाले पहले राष्ट्रपति बने बाइडेन। कानूनी सलाह लेनी शुरू की गई। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की सीरीज के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भी फॉलो ऑन का खतरा जारी है। भारत अभी भी इंग्लैंड से 321 रन पीछे है। इंग्लैंड के नाम रहा तीसरा दिन। बड़ौदा के SSG अस्पताल में नवीनीकृत गहन बाल चिकित्सालय इकाई का हुआ लोकार्पण। वर्ष 2012 में आग लगने की वजह से इकाई नष्ट हो गई थी। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।